अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज 6 फरवरी 2020 की पूरी कोर्ट अपडेट हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बता दें, आज की आपकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है और दोस्तों जज साहब का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आज की सुनवाई आपकी बहुत ही ज्यादा जोरदार बहस हुई है। और दोस्तों देखिए, आज की सुनवाई के बाद किसका पक्ष रहा मजबूत, और दोस्तों जानेंगे अगली सुनवाई की तारीख। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दें, जो आपकी अगली सुनवाई की तारीख मिली है वो कल की मिली है। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा कि आपको पहले बताया था, अब आपका केस कंटिन्यू रहने वाला है। तो दोस्तों जिस रफ्तार से आज आपकी सुनवाई देखने को मिली, वैसे अगर दोस्तों केस चला तो आपका केस अगले सप्ताह तक दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट है, आज की सुनवाई काफी जोरदार बहस हुई है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आज की पूरी पल पल के अपडेट्स, कोर्ट में क्या हुआ, सब कुछ वो जान सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके केस की सुनवाई आज शुरू होती है। तो सबसे पहले आपके बीएड के वकील चंद्रा सर ने शुरुआत किया, ठीक है। तो चंद्रा सर डाइस पर सबसे पहले आपके आते हैं। फिर देखिए, टीम के सीनियर अनिल तिवारी सर भी कोर्ट रूम में मौजूद, ठीक है, ताकि किसी बिंदु पर चीजें छूटे नहीं। फिर 68,500 और 69,000 को अलग अलग बताते हुए चंद्रा सर। तो आपको दोस्तों पता है ना कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000, तो दोस्तों जब ये अलग अलग शिक्षक भर्ती अगर साबित हो जाती है, तो जो आपकी कट ऑफ है 40-45, वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बीएड प्रकरण पर एनसीटी के दस्तावेजों के माध्यम से रख रहे हैं अपनी बात, याचिका के पेज 166 का दिया हवाला। फिर बीएड टीम की तरफ से आज माथुर सर नहीं रहेंगे, इसलिए चंद्रा सर की बहस खत्म होने के बाद यदि समय बचता है तो हमारी तरफ से तिवारी सर जी बहस करेंगे। फिर दोस्तों देखिए, 28 जून 2018 भारत के राजपत्र पर चर्चा बीएड के बचाव में। फिर दोस्तों क्या होता है वहां पर, हर्ष कुमार का जजमेंट डिस्कस इलाहाबाद ऑर्डर, हर्ष कुमार पर चंद्रा सर बहस कर रहे हैं। तो देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, आपको हर मिनट के आपको अपडेट दे रहे हैं, हर मिनट दोस्तों कैसे कैसे मामला बदल रहा था, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर दोस्तों देखिए क्या होता है कि राज्य सरकार को योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है, ऐसा चंद्रा सर कह रहे हैं। फिर बीएड को 28 जून 2018 के गजट द्वारा इंक्लूड किया गया है चंद्रा सर, ठीक है दोस्तों। आरटीई एक्ट सेक्शन 23 रीड हो रहा है चंद्रा सर के द्वारा, ठीक है। फिर सिंगल जज ने जो एरर फाइंड आउट किया वो गलत है चंद्रा सर। पेज नंबर 32 एनसीटी एक्ट 1993 न्यूनतम अर्हता शिक्षक बनने के लिए केंद्र सरकार के नियमों की कर रहे हैं बात, फिलहाल कटाप पर बात नहीं हो रही है। फिर 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हैं, जिसमें मिनिमम योग्यता की बात की गई है। फिर दोस्तों क्या होता है, 23 अगस्त 2010 के एनसीटी गजट पर डिस्कस स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके चंद्रा सर की बीएड बचाव बहस से जज साहब तीसरे बिंदु से असहमत दिखे, कहीं ज्यादा बहस से और बीएड खतरे में ना आ जाए, कटाप से परे हटकर चंद्रा जी की बीएड मुद्दे पर बहस जारी है, जबकि मैटर डी टैग है। हर्ष कुमार के सीजे कोर्ट से आए आदेश का सार है कि एनसीटी जिस दिन से किसी भी डिग्री को मान्य कर देगी, वो आवश्यक रूप से राज्य पर बाध्यकारी हो जाएगी, हमारा 28 जून 2018। फिर शिक्षा मित्रों का समायोजन पर जारी है बहस कि राज्य सरकार की दया पर बने हुए पदों पर। तो दोस्तों ऐसा क्या कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की दया है, इसलिए दोस्तों वो शिक्षा मित्र अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। फिर परीक्षा के विज्ञापन को दिखा रहे हैं पेज नंबर 412 पर। फिर क्या होता है दोस्तों, बीएड को बचाने का भरकस, ठीक ना, भरसक प्रयास चंद्रा सर, लेकिन कोर्ट पूरी तरीके से मौन है। 157-19 के टॉप सीनियर अधिवक्ता कालिया सर भी स्वयं न्यायालय में मौजूद, अनिल तिवारी सर केस में सर्वाधिक उपस्थिति के साथ टॉप पर। फिर दोस्तों क्या होता है, कटाप की बजाय केवल बीएड मुद्दे पर बहस करके केस को गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा ही रहा तो अब 2020 भी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक देख रहे हैं आप बीएड मुद्दे पर बातें हो रही, तो मतलब आपको साफ है कि ये बहस आपकी लंबी चलेगी, ठीक है ना, कि अगर दोस्तों ऐसा ही केस आपका चला तो 2020 में भी आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी, इस समय तक दोस्तों ये परिस्थिति आपकी बनी हुई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, बीएड ट्रेनी टीचर पर कोर्ट को समझा रहे हैं चंद्रा सर। जब आप लोगों को मालूम था कि 1 दिसंबर 2018 के नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल किया, तब क्यों नहीं इन्होंने बीएड को चैलेंज किया, ऐसा चंद्रा सर कह रहे हैं।
सभी समस्या एग्जाम के बाद क्यों? चंद्रा सर, ठीक है, जितनी भी दोस्तों इनको प्रॉब्लम्स हो रही है वो एग्जाम के पहले क्यों नहीं थी, एग्जाम के बाद क्यों है? फिर आपका एनसीटीई के नियम पूरे देश में उसी समय मान्य हो जाते हैं जब रूल फ्रेम होता है, चंद्रा साहब, ठीक है। जेपीएस ऑर्डर झारखंड कोर्ट को देते हुए चंद्रा और उस पर बहस कर रहे हैं। फिर आपको दोस्तों एमसीडी केस, जेपीएससी केस समेत सभी केस एक्सीलेंस को देते हैं तरजीह, 69,000 केस में भी याचिका का आधार यही है, चंद्रा जी। फिर दोस्तों आपके झारखंड सर्विस का ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं जो पॉइंट कालिया सर से भी छूट गया था। अपील में दाखिल ऑब्जेक्शन में बीटीसी फर्स्ट प्रेफरेंस की बात उपेंद्र नाथ मिश्रा जी ने कही जो कि 28 जून 2018 के हिसाब से संभव ही नहीं है। फिर दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोगों को मालूम था कि 1 दिसंबर 2018 के नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल किया, तब क्यों नहीं इन्होंने बीएड को चैलेंज किया? जब फेल हो गए तब क्यों चैलेंज कर रहे हैं? ऐसा दोस्तों हो रहा बात अकॉर्डिंग टू चंद्रा सर। फिर दोस्तों क्या होता है कोर्ट में आपके कि आनंद कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चंद्रा मिनिमम व मैक्सिमम डिफाइन कर रहे हैं कि मिनिमम क्या है, कम से कम अधिक से अधिक, जिस पर पंकज सर हंस रहे थे। आज की बहस का पहला 200 घंटा यहाँ पर पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है बहस के। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, देखिए रूल 14 स्टार्ट 1981, ठीक है। जब आनंद बनाम स्टेट के ऑर्डर में लिखा गया है कि यह शिक्षा मित्रों से खाली हुई सीट्स को थ्रू ओपन कंपटीशन भरा जाए, तो यह भर्तियां केवल शिक्षा मित्रों की कैसी हो गई? बाई चंद्रा सर। फिर दोस्तों क्या होता है आपका कुलभूषण मिश्रा केस का पुनः जिक्र, सिंगल बेंच में केस को साइलेंट छोड़ दिया गया था, चंद्रा सर। सिंगल जज ने बीएड कैंडिडेट इज अनवारंटेड कहा, ठीक है दोस्तों, जो कि गलत है। बीएड कैंडिडेट कहीं से कूद कर नहीं आए, प्रोसेस फॉलो हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट डिस्कस हुआ है ईटीसी, उसके हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं कि बीएड के छात्र कहीं से कूद उद के आ गए, ये बात हो रही थी समय तक। फिर देखिए 68,500 भर्ती का बाद वाला विज्ञापन कोर्ट को दिखाया गया जो अभी 69,000 में आना शेष है। 69,000 में इसके बाद आने वाले विज्ञापन का 68,500 में जो विज्ञापन आया था कोर्ट को दिया गया कि अभी ये विज्ञापन आना बाकी है, जिसमें दिखाया गया था कि क्वालिटी पॉइंट यहाँ जुड़ेंगे और कैसे जुड़ेंगे, अभी भर्ती प्रारंभ नहीं हुई। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों जज साहब आपस में बात करते हुए, ठीक है, इस समय तक आपका ये कंडीशन थी। फिर बार बार बीएड मुद्दे पर बहस करने की वजह से दिक्कत में ना आ जाए, दोस्तों ये बातें हो रही थी बार बार, भाई बीएड मुद्दा चल रहा है। तो उस समय तक दोनों परीक्षाओं में शिक्षा मित्रों के लिए समान अवसर की बात की गई है, लेकिन एनसीटीई के नियमों के अनुसार ही, ठीक है ना, शिक्षा मित्रों को अवसर तो दिया जाएगा समान, लेकिन एनसीटीई के जो नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग। एटीआरई परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी एनसीटीई के नियमों के अधीन ही दिए गए परीक्षा, ठीक है ना। फिर दोस्तों एमसीडी झारखंड और भोला प्रसाद सर का ऑर्डर सबमिट किया गया, चंद्रा सर की बहस शायद इस समय समाप्त हो चुकी थी। फिर उसके बाद दोस्तों आपकी बारी आती है तिवारी सर की, ठीक है, तिवारी जी यहाँ से शुरू होते हैं। मैंने पिछली बार भी टू द पॉइंट बहस की थी, इस बार भी वही करूंगा, अनिल तिवारी सर ऐसा कह रहे हैं। कोर्ट का और अभ्यर्थियों का समय महत्वपूर्ण, 1 सेकंड भी बेकार गवाना उनकी आशाओं का अपमान है, तिवारी सर। फिर दोस्तों क्या होता है आपका कि तिवारी सर डेस्क पर गए और 4:30 बजे तक की सुनवाई की अपील करते हैं और कोर्ट सहमत हो जाती है। तिवारी सर अपने सबमिशन के पॉइंट रखते हुए, रिक्रूटमेंट शब्द केवल एक ही परीक्षा के संबंध में है, न कि वह पूरे प्रोसेस की बात कर रहा है, इन्हीं शब्दों के मकड़ जाल में बुना हुआ है, ठीक है ना। सिंगल बेंच का ऑर्डर तिवारी सर, महाराष्ट्र एसबीओएस वर्सेस पत्रोस वाजपेयी, जजमेंट का हवाला तिवारी सर। फिर तिवारी जी सार्थक बहस करते हुए पॉइंट टू पॉइंट वहां दोस्तों डिस्कशन हो रहा था। देखिए मेन बात क्या है ना, अगर आपकी बहस पॉइंट टू पॉइंट चले तो दोस्तों ये इतना लंबा आपका जो बहस खींच रही है ना, इतना खींचिए ही ना। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सन्याम लोधा, जजमेंट अनिल सर, ठीक है ना। फिर देश के तमाम शिक्षाविदों ने मिलकर बनाया है आरटीई एक्ट, उसको दरकिनार करके एक पक्ष को एक तरफा लाभ देते हुए मानक अंकों में बदलाव पूर्णतः गलत, ऐसा तिवारी सर कह रहे हैं। फिर दोस्तों सरकार उत्तम में सर्वोत्तम का चयन करना चाहती है, इसलिए उसने मानक स्तर उत्कृष्ट लगाया हुआ है, उसमें बदलाव बेसिक नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तिवारी सर। आज की बात दोस्तों यहीं पर आपकी समाप्त होती है, ठीक है ना। आज की बहस यही तक आपकी चली। फिर दोस्तों आपको कल की तारीख मिल जाती है 7/2/2020।
तो सबसे अच्छी खबर दोस्तों आपके लिए यही थी कि आपकी जो सुनवाई है वो लगातार हो रही है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो आपके लिए नुकसान होता है। तो जैसे दोस्तों आपकी सुनवाई अगर रोज ही रोज चलती रही, अगर दो दो घंटे का समय आपको दोस्तों रोज मिलेगा ना, तो ये सुनवाई मान के चलिए बहुत ज्यादा चलेगा, तो आपका एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात होती है डेडिकेशन के साथ अपना जो पॉइंट्स है सभी को रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो दोस्तों कि मुद्दे से ना भटके। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती अगर मुद्दे से भटकेगी तो ही ज्यादा समय लगेगा। अगर मुद्दे पर बात होती है तो ये शिक्षक भर्ती दोस्तों बहुत ही कम समय में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों कल फिर से हम लोग मिलेंगे लाइव अपडेट के साथ। तो दोस्तों अगर आज की आपको पूरी कोर्ट अपडेट देखनी है वेबसाइट के माध्यम से, तो दोस्तों अभी हम आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप जाएंगे दोस्तों पूरी आज की कोर्ट अपडेट वहां से देख पाएंगे। और दोस्तों जो कल की काज लिस्ट जारी होगी सबसे पहले दोस्तों उसकी अपडेट उसी जगह आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करें। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। और देखिए अभी 40-45 वर्ष 60-65 में किसका पक्ष मजबूत है आपको दोस्तों ये समझ में आया है कि ये देखिए अभी तक दोस्तों जो आपकी कटाप मुद्दे पर अभी आपने जो हमारी पूरी बहस देखी, जो हमने आपको पढ़ पढ़ कर सुनाया दोस्तों, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कटाप मुद्दे पर बात बहुत ही कम की गई, बीएड मुद्दे पर दोस्तों बातें ज्यादा हो रही हैं। तो अभी दोस्तों कटाप मुद्दा पूरी तरीके से दोस्तों उसमें बातें नहीं हो रही। तो अभी आप एक चीज समझना है कि अभी किसी का पक्ष ना तो मजबूत है ना तो कमजोर है, तो दोनों पक्ष दोस्तों इस समय बराबरी पर चल रहा है, पूरा मामला 50-50। लेकिन हाँ, किसी भी दिन दोस्तों किसी का अगर पलड़ा भारी होता है तो सिंपल सी बात है, अगर किसी का 51 होता है किसी का 49 होता है, तो दोस्तों एक टीम सिंपल से कमजोरी की तरफ दिखेगी। तो अभी दोस्तों दोनों टीम बराबरी पर है। अधिक अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और सभी छात्रों को ऑल